पिछले महीने थिएटर्स में एक मूवी आई थी जिसका नाम था हाय पापा, और जिसको तुम हाय नाना भी कह सकते हो। हाँ, तो दोनों पिक्चरें एक ही है, बस साउथ में इसको हाय नाना के नाम से जाना गया और अपने इधर भाई इसको हाय पापा के नाम से जाना गया, बस इतना ही फर्क है। ये पिक्चर जब पिछले महीने रिलीज हुई तो किसी कारण से मैं इसको देख नहीं पाया। बाकी इसका जब मैंने ट्रेलर देखा था भाई, ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा था, तो मैं तब इस पिक्चर को देख नहीं पाया था। तो फाइनली अब नेटफ्लिक्स पे आ ही चुकी है तो मैंने सोचा देख लेता हूँ, तो मैंने इस पिक्चर को कम्प्लीट देख लिया है। अब इसके बारे में तुमको बताना चाहूंगा कि पिक्चर आखिर थी कैसी, मुझे कैसी लगी, या इसमें क्या देखने लायक चीजें थी या क्या देखने लायक नहीं था, सारी बातें इसी वीडियो में करूंगा मैं। तो सबसे पहले कास्टिंग के बारे में बात कर लेता हूं, तो नेचुरल स्टार नानी हमको इस पिक्चर में नजर आएंगे, उनके अपोजिट में दिखेंगे मृणाल ठाकुर, ये थी इसकी स्टार कास्ट। तो अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्टोरी आखिर थी कैसी। तो भाई स्टोरी में हमको बताया जाता है, स्टार्ट में अगर तुम इस पिक्चर को देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि बाप बेटे की स्टोरी है, और काफी क्यूट सा और अच्छा सा बॉन्ड दिखाया जाता है बाप बेटे के बीच में, और साथ ही में हीरो और हीरोइन की जो क्यूट सी लव स्टोरी थी वो भी हमको इसमें बताई जाती है। पर इस पिक्चर में बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, जो कि तुमको स्टार्ट से ही समझ में आने लगता है कि भाई बच्ची अकेली है, इसकी माँ का आखिर हुआ क्या, क्योंकि हमको बच्ची तो दिखाई जाती है लेकिन उसकी माँ पे सस्पेंस बना के रखते हैं कि इसकी माँ का आखिर क्या हुआ, सवाल दिमाग में चलता रहता है। बच्ची अपने पापा से बार बार पूछती है कि मतलब माँ की स्टोरी सुनाओ, मुझे माँ के बारे में बताओ, लेकिन उसके पापा जो होते हैं वो नहीं बताते हैं। और फाइनली बाप और बेटी के बीच में एक डील होती है जिसमें उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आई तो तुम्हें मैं मम्मी की स्टोरी सुनाऊंगा। और अब वो दिन आ चुका है जिस दिन भाई बच्ची जो है वो क्लास में फर्स्ट आ चुकी है, उसने अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया, वो भी 2% से। और अब वो अपने पापा का इंतजार कर रही है घर पे, जैसे उसके पापा आते हैं घर पे, वो पापा से बोलती है मम्मा की स्टोरी सुनाओ। और भाई उसी स्टोरी में कुछ तो ऐसा है जो कि वो अपनी बेटी से छुपाना चाहता है, उसकी बेटी को नहीं बताना चाहता उसकी मम्मी कैसी थी क्या थी, कुछ भी उसके बारे में नहीं बताना चाहता है। और यहाँ पे वो फिर से कोई बहाना बना के चला जाता है, उसकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ तक तुम समझ चुके हो कि बच्ची की माँ जो है उसको लेके बहुत बड़ा सस्पेंस बनाया जा रहा है। अभी कहानी प्रेजेंट में चल रही थी, जब वो अपनी बच्ची को उसकी माँ के बारे में बताएगा तो कहानी पास्ट में चली जाएगी, किस तरीके से उनका रिलेशनशिप हुआ, मतलब लड़की की माँ के साथ, यार इस तरीके से हीरो और हीरोइन मिले। हीरो जो है भाई मैं बता देना चाहता हूँ तुमको, एक फोटोग्राफर है, अच्छा खासा बड़ा फोटोग्राफर है, लेकिन जब वो लड़की से मिलता है तब वो बड़ा फोटोग्राफर नहीं होता है। पर अभी करंट की बात की जाए तो एक अच्छा खासा बड़ा फोटोग्राफर है, अच्छा खासा कमा लेता है, पर तब नहीं कमाता था। और अगर लड़की के बारे में बताऊँ तो भाई लड़की अमीर घर की थी, लड़का गरीब घर का था, अब इससे बात है कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ होगा ना, तो बस वही सारा पंगा तुमको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी अच्छी सी है, और जो स्टोरी बच्ची और बाप बेटे की चल रही होती है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर तुम इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड करो तो मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, पहले में तुमको बाप बेटी का बॉन्ड दिखाया जाएगा, दूसरे में तुमको बताया जाएगा कि बाप और माँ का रिलेशन कैसा था, और बच्ची के जन्म के बाद दोनों किस तरीके से अलग हो जाते हैं, क्या उनके बीच में प्रॉब्लम्स होती है, सारी चीज़ें तुमको बताई जाएगी। और थर्ड पार्ट में क्या होता है अगर तुमको बता दूंगा भाई तो बहुत बड़ा स्पॉइलर मिल जाएगा, आखिर सारी की सारी कहानी वही चुकी हुई है। तो तीसरे स्टेज में क्या होता है ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर अगर तुमको यहाँ तो कुछ भी अच्छा लगा हो ना भाई वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन आगे की बात करते हैं, तो पिक्चर में जो स्टोरी टेलिंग की गई है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। पिक्चर का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है काफी ज्यादा बढ़िया लिखा है, पर एक बात नोटिस करने वाली है, इसमें जो ट्विस्ट आते हैं कुछ कुछ जगहों पे भाई ट्विस्ट काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। और वही बात करूँ कुछ ट्विस्ट और कुछ सरप्राइजेस इस तरीके के हैं जो हजम नहीं होते, जैसे कि वो वाला ट्विस्ट जिसमें भाई जो गुंडे मार रहे होते हैं हमारे हीरो को वो बाद में डॉक्टर बन जाते हैं, हालांकि वो लोग डॉक्टर है इसका हिंट हमको एक बार दिखाया जाता है पिक्चर में, पर फिर भी वो मुझे ट्विस्ट पसंद नहीं आया। और अगर ओवरऑल बात करूँ भाई इस पिक्चर के बारे में, तो इस पिक्चर में जिस तरीके का कैरेक्टर निभाया गया है नानी के तरफ से और मृणाल ठाकुर के तरफ से, और साथ में जो उनकी बच्ची बनी है भाई बहुत ही प्यारी बच्ची है, जिस हिसाब से उसने एक्टिंग की है बहुत बढ़िया है। और एक और बंदे को क्रेडिट देना बनता है जो कि है प्लूटो, प्लूटो इनका डॉग होता है पिक्चर में, और भाई इसका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम पिक्चर को ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा। और देखो भाई इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले तुमको इतना बता देना चाहता हूँ कि पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, कुछ कुछ पॉइंट पे मतलब बहुत ही ज़्यादा माइनर से पॉइंट पे मुझे लगा कि मतलब स्टोरी थोड़ी खींची खींची सी लग रही है या अनवांटेड चीज़ें इसमें डाल दी गई है, पर वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है, तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। ओवरऑल तुम्हें देखने को मिलेगा कि बच्ची की माँ ने आखिरकार बच्ची को क्यों छोड़ दिया, और सारी की सारी स्टोरी भाई इसी में छुपी हुई है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी और क्यूट सी पिक्चर है, तुम इसको देख सकते हो, ट्रेजेडी भी है पिक्चर में पर मज़ा आएगा तुमको देख के, तो मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर तुम फ्री हो तो देख लो भाई। तो अपन इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।